यो बूम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। अब यार सभी को पता है जैसे कि सीजन 8 आ चुका है एंड सभी बंदे रैंक पुश पे लग चुके हैं, तो यार आज के इस वाले वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आप लोग रैंक पुश कर सकते हो डायरेक्टली कॉन्करर में और जस्ट 2 दिन के अंदर आप लोग कैसे कॉन्करर में पहुँच सकते हो। गाइस बहुत ही एकदम नेसेसरी वाले जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं बस उन्हीं को कवर किया है, कोई भी आलतू फालतू टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होने वाले हैं। इसलिए यार वीडियो पूरी एंड तक देखते रहना एंड साथ ही साथ यार वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि यार इससे पता चलेगा कि कितने लोग इस वीडियो को देख के समझे हैं और कितने लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है सर, लाइक जरूर से कर देना। चलो यार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम पास के, बिकॉज यार वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम लोग थोड़ा विस्तार में बात करने वाले, इसलिए यहाँ पे गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है यार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम पास के। गाइस पॉइंट नंबर 1, गाइस सबसे पहला जो एकदम नेसेसरी वाला पॉइंट है कि गाइस आप लोगों को गाइस अपने मन के अंदर ठान लेना है कि गाइस हम लोगों को कॉन्करर पुश करना है। अब गाइस जो बंदे ये सोचते हैं कि भाई कॉन्करर पुश करना आसान होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आपको गेम को टाइम देना पड़ता है जो कि गाइस सभी बंदे नहीं कर सकते हैं। इसलिए गाइस जब तक आप लोग अपने मन में ठान नहीं लेते हो, आपके इनर विश नहीं होती कि आपको कॉन्करर पे जाना है, आपको फ्रेम लेना है नहीं लेना है, वो गाइस आपके ऊपर है। लेकिन गाइस ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके अंदर में वैसा फीलिंग नहीं है कि मुझे इस बार कॉन्करर जाना है, तो आप लोग गाइस लिटरली नहीं पहुंच पाओगे, कुछ भी कर लो नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, इसलिए उसके लिए एक जोश चाहिए, एक एंथुसियाज्म चाहिए होता है। ठीक है, यहां पे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई होप कि आपको पॉइंट 1 क्लियर हो चुका होगा। पॉइंट 2 गाइस कुछ इस प्रकार है कि यार सबके मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि भाई यार हम लोग कॉन्करर तो पुश करना चाहते हैं, लेकिन गाइस कौन सा मोड में करें, मतलब कौन से टाइप में करें, सोलो में करें, डुओ में करें या फिर स्क्वाड में करें। तो गाइस यार तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। यार सबसे पहले सोलो के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोग सोलो में पुश करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स होने चाहिए। गाइस अगर आपके पास अच्छे स्किल्स है तो आप लोग यहाँ पे गाइस डेफिनेटली सोलो में पुश कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस अगर बात करें यहाँ पे, अगर आप उतने ज़्यादा स्किल्स नहीं, आप लोग अच्छे प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग गाइस यहाँ पे डुओ या स्क्वाड में पुश करना। ठीक है, सोलो में आपके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, रोटेशन से लेके हर जो चीज़ होता है ना गेम के अंदर में, सारी चीज़ें सोलो में आपके ऊपर आ जाती है। तो अगर आप लोग एक बहुत अच्छे प्लेयर नहीं हो या फिर एक मीडियम प्लेयर हो, तो यहाँ पे गाइस आप लोग डेफिनेटली सोलो में आप लोग पुश नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिर सोलो में पुश मत करना अगर आप लोग इस कैटेगरी के प्लेयर हो। बात करें डुओ की, तो डुओ जो ऐसा मोड है कि आजकल सब लोग उसी में पुश करते हैं, एक टीममेट ले लेते हैं नूबड़ाफा या फिर कोई अच्छा टीममेट भी अगर आपके पास है आपका फ्रेंड में या फिर आपके क्लैन में, तो गाइस आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे गाइस इस तरीके से आप लोग डुओ में गाइस इजीली पुश कर सकते हो, डुओ में उतना हार्ड नहीं होता। बट क्या होता है आजकल गाइस सभी जो बंदे वो डुओ में पुश करते हैं, इसके कारण से काफ़ी अच्छे अच्छे बंदों से आपका फाइट्स हो सकता है। इसलिए गाइस आगे मैं उसके लिए भी पॉइंट बताऊंगा किस प्रकार आपको कैसे बचना है उनसे। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस बात करें नेक्स्ट जो स्क्वाड की है, क्या स्क्वाड में गाइस आप लोग डेफिनेटली पुश कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, लेकिन उसके लिए गाइस एक प्रॉपर स्क्वाड होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग रैंडम के साथ खेल के यहाँ पे कॉन्करर पहुंच जाओगे, ऐसा गाइस डेफिनेटली नहीं होने वाला है। आपको गाइस एकदम कॉन्करर पुश करना है अगर स्क्वाड में, तो आपको यहाँ पे जो पूरा अपना प्रॉपर जो स्क्वाड होता है ना, जो आप लोग स्पोर्ट्स के लिए खेलना चाहते हो जिसके साथ, उसके साथ गाइस आपको खेलना पड़ेगा और यहाँ पे उसके साथ ही आपको रैंक पुशिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग स्क्वाड में जाओगे, यहाँ पे गाइस रैंडम में करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज टीममेट्स आपका साथ नहीं देने वाले उसमें बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 है कि गाइस आपको हमेशा नेसेसरी फाइट्स अवॉइड करना है। मतलब नेसेसरी फाइट्स से मतलब ये है कि गाइस आप लोग जब कोई भी एक ड्रॉप लोकेशन पे उतरते हो, वहाँ पे गाइस लूट वगैरह करते हो, ठीक है, वहाँ पे जो भी बंदे आते हैं उसको मार देते हो, उसके बाद बेसिकली आप लोग करते क्या हो, गाड़ी उठाते हो और बंदे की तलाश में निकल जाते हो कि कहाँ बंदा है कहाँ नहीं है, उसको मारते हो जाके। लेकिन गाइस रैंक पोजीशन के टाइम पे ये चीज़ नहीं करनी होती, आपको गाइस यहाँ पे बिल्कुल सेफ खेलना रहता है, जोन टू जोन मूव करना है और यहाँ पे गाइस कोई भी एक पोजीशन आपको एक कंपाउंड होल्ड करके रखना है, ताकि यहाँ पे कोई भी बंदा है तो आप लोग यहाँ पे एक सेकंड में टैकल कर सको। गाइस यही पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो गाइस पॉइंट नंबर 4 है कि गाइस आपको सॉफ्ट ड्रॉप लेना है। अब गाइस सॉफ्ट ड्रॉप से मतलब ये है कि गाइस आपको यहाँ पर गाइस ये जो जगह होते हैं जैसे कि ओल्ड बेसिन हो गया या फिर थर्डिल हो गया या ई स्पोर्ट पायलट प्लाजा फैक्ट्री, ये सारी जगहों को अवॉइड करना है और आपको छोटे मोटे जगह पर जाना है, जैसे विलेज ऐसे गाइस जो भी छोटे मोटे जगह होते हैं वहाँ पर आप लोग जाओ, रेंज में जाओ, वहाँ पे लूट करो, वहाँ पे गाइस होल्ड करो, तभी आप लोग रैंक पुश कर पाओगे। बिकॉज रैंक पुश में गाइस आपको क्या होता है कि गाइस आपको मोस्टली मतलब 10 में से गाइस आप लोग 7-8 गेम आपको चिकन डिनर निकालना ही पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं निकालोगे तो आपका माइनस तो नहीं होगा बट कम प्लस होगा, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप लोग जितना जल्दी यहाँ पे ज़्यादा चिकन निकालोगे उतना जल्दी आप लोग कॉन्करर के अंदर पुश कर पाओगे 2 दिन के अंदर गाइस। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है गाइस पॉइंट नंबर 5 जो कि मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 गाइस ये है कि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग गेम को कितना टाइम देते हो। गाइस बहुत बंदे सोचेंगे 1-2 घंटा खेलेंगे 4-5 चिकन डिनर निकाल के 2 दिन के अंदर में कॉन्करर सीधा डायरेक्ट, तो ऐसे भाई नहीं होता। गेम के अंदर गाइस आपको
ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा अगर आप लोग रैंक पुश करना चाहते हो। और गाइस अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करता ज़्यादा देर खेलने के लिए तो गाइस आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसा बात नहीं आप लोग नहीं कर पाओगे बट ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अगर दो दिन के लिए आप लोग पुश करना चाहते हो तो मैं एक टाइम बताता हूँ जिसके जितना आप लोग खेलोगे तो यहाँ पे दो दिन के अंदर पहुँच जाओगे एटलीस्ट। गाइस यहाँ पे आप लोग को 3 से 4 आवर कंटिन्यूसली खेलना बिना किसी गैप के, समझो, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 घंटे गाइस आपको कंटिन्यूसली खेलना बिना किसी गैप के, तभी आप लोग गाइस कॉन्करर पुश कर पाओगे दो से तीन दिन के अंदर में। जो मैंने गाइस आज के इस वाले वीडियो में पॉइंट्स बताए हैं उनको गाइस डेफिनेटली आप लोग अगर फॉलो करते हो तो गाइस 2 से 3 दिन के अंदर में कॉन्करर सीधा आप लोग पहुंच जाओगे बिना किसी परेशानी के। सो आई होप के गाइस आपको आज की इस वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा देना और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी धमाकेदार वीडियोज देखने के लिए। बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड।